मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता बस। तुम मुझे टेंशन नहीं दे रहे थे तो क्यों जा रहे हो उसका मगध पहाड़ पे चढ़ने के लिए? इतना जरूरी है तुम्हारे लिए? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइस, बहुत दिन से प्लान कर रहे थे यमुनोत्री जाने का, तो आज हमारा ड्रीम भी पूरा हो रहा है और आपको भी दिखाएंगे यमुनोत्री के नज़ारे क्या क्या हैं। बहुत दिन से कैंसिल होता जा रहा था बार बार, कब जाएंगे। तो फाइनली आज निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए। घर से आ चुके हैं 10 किलोमीटर दूर गजरोला में। तो मेन जो स्टेशन है गाइस हमारा गजरोला ही है, जहाँ भी जाना होता है गजरोला पहले आना होता है। तो अभी हम गजरोला में, यहाँ से जाएंगे पहले मेरठ, फिर उसके बाद आगे का सीन बताते हैं आपको क्या रहता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं मेरठ टोल प्लाजा और रात के बज चुके हैं 10, और आगे का सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। और यहां पे हम अभी खड़े हुए हैं, अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वो गाड़ी लेके आने वाला है शुभम। तो उसका थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, यहां पे कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। गाइस रात के 12 बज चुके हैं और हम मेरठ और देहरादून के बीच रास्ते में हैं। अभी ये पीछे गाड़ी खड़ी है हमारी, बहुत देर नींद आई थी तो ड्राइवर ने बोला चाय पीनी है, इसलिए हम चाय पीने ढाबे पर रुके थे। दोस्तों रात के बजे 2:30 हम आ चुके हैं ISBT देहरादून। देख सकते हो आप मेरे पीछे दिल्ली की भी बस खड़ी है, बहुत सारी बसें खड़ी हैं यहाँ पे देहरादून। अभी सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेंगे हम, 4 बजे विकास नगर, और विकास नगर से आगे की बस लेंगे। फिर पहले विकास नगर जाएंगे, यहाँ से सुबह 4 बजे बस मिलेगी यहाँ से, और अभी बजे 2:30। तो अभी हमें यहीं पर टाइम पूरा करना पड़ेगा 4 बजे तक का। देखो मेरी आंखें भी लाल हो चुकी हैं जाग जाग के, दिल्ली से यहाँ तक जागते हुए आए हैं। तो सुबह 4 बजे यहाँ से बस है, फिर उसके बाद जाएंगे विकास नगर, फिर विकास नगर से अगली बस मिलेगी जो हमें जानकी चट्टी लेके जाएगी। 4 बजे यहाँ से गेट के बाहर से बस लगी हुई होती है, वो हमें छोड़ेगी विकास नगर। गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं और हम सब फ्रेश होके बाहर आ चुके हैं, और ये आगे वाली बस विकास नगर के लिए खड़ी है, इसी से हम सब जाएंगे विकास नगर। गाइस पूरी तरह से थक गए बिकॉज़ कल से ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे सचिन भाई भी सो गए। फाइनली विकास नगर पहुंच गए और यहां से आगे के लिए दूसरी बस से जाना पड़ेगा जो कि 7 बजे मिलेगी, और अभी 6 बजे हैं, तब तक यहीं पे मसाले वाली चाय पीते हैं। अभी हमें नौगांव जाना है और ये बस बीच में रुकेगी डामटा में खाना खाने के लिए। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं डामटा में, यहाँ पे हम खाएंगे खाना। हम विकास नगर से 7 बजे चले थे, अभी 9:40 का टाइम हो गया है, 2 घंटा और 40 मिनट हो गए हमें चले हुए, और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खाना मिलेगा। चलो खाना खाओ, चल भाई तू चल मार, तू ना खाने का तेरी बड़ा फर्जी आदमी है, खाना तो खाएगा। हाँ क्या क्या है यहाँ, क्या क्या है? ये ₹50 की थाली है, इसमें कितना भी खाना खाना ये अच्छा बना रहता है। राजू
चने की सब्जी, राजमा है, राजमा है और लौकी की सब्जी है, रायता है और सलाद भी है, चावल भी मिलेंगे। खाना खाने के बाद आगे का सफ़र शुरू हो चुका है और अभी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर आगे नौगांव तक ये बस जाएगी और उससे आगे हमें टैक्सी या फिर बोलेरो मैक्स जो भी मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है, उससे जाना पड़ेगा आगे। और सर्दी बहुत बढ़ गई है क्योंकि बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो फाइनली गाइस सुबह के 11:20 हो चुके हैं और हम आ चुके हैं नौगांव डामटा में। खाना खाने के बाद फिर से ट्रैवल शुरू किया और अभी हम आ चुके हैं नएगांव। ये भी एक हिल स्टेशन है, अगर यहाँ पे भी घूमना चाहो तो बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के भी, देखने में बहुत अच्छा व्यू है चारों तरफ का, और दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो सचिन भाई कैसा फील कर रहे हैं यहाँ तक? नए गांव में पहुँच चुके हो आप, अब मंजिल ज्यादा नहीं बची आपकी, कैसा फील कर रहे हो? और शुभम भाई आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत मजेदार, पहली बार आना हुआ है, बहुत ही मजेदार सफर है। अच्छा, दोबारा भी आएंगे गाइज। आगे का सफ़र बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। हम बोलेरो मैक्स में बैठ चुके हैं क्योंकि यहाँ से आगे बस नहीं मिलती है और अभी हमें जाना है बरकोट, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। उसके बाद जानकी चट्टी के लिए वहाँ से भी बोलेरो मैक्स से ही जाना पड़ेगा। जानकी चट्टी लास्ट स्टेशन है, वहाँ से आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है, वहीं पे रुकना है। और आगे के लिए 5 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, जो कि यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। तो गाइस हम आ चुके हैं बरकोट, अभी टाइम हुआ है 12 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं बरकोट। अभी यहाँ से हमें जाना है जानकी चेट्टी, उसके बाद यमुनोत्री के लिए निकलेंगे। जानकी चेट्टी पहुँचेंगे अभी यहाँ से बस या टैक्सी जो भी मिलेगी उससे जाएंगे हम जानकी चेट्टी। बस कहाँ से मिलेगी? बस कहाँ से मिलेगी? बस जानकी चेट्टी के लिए बस। बस तो यार बस तो लगे आगे, लेकिन टैक्सी मिलती आगे घर से। अरे यहाँ तक आएगा यमुनोत्री पहुँचने वाला भाई, बिल्कुल 2 रुपए खर्च नहीं करें, पर इसके हुए 35 रुपए खर्च इस वाले के। यो जो बता रहे अरे भाई 80 रुपए अरे हम दोनों के मुँह फेर दो ना 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 इसने पिया था, इसके 35 रुपए खर्च हुए, इसके 5 रुपए 40 रुपए निकले तू ले। अरे भाई हम दोनों के 8,000 रुपए खर्च हो चुके हैं अभी तक। तेरे तो बहुत ज्यादा होगा, तेरे साले ठंडी खरीदना हुई तो और कह रहे हैं 8,000 खर्च होगा। अभी टाइम हुआ है 3:30 और बरकोट से लगभग 60 किलोमीटर का रास्ता था, जो कि हम 58 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ से जानकी चट्टी का रास्ता बस 2 किलोमीटर का बचा है और यहाँ से आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है, तो हमें आज शाम को यहीं पे रुकना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे होटल मिलते हैं यहाँ पे और सुबह उठने के बाद जाएंगे यात्रा पे, जो कि 5 किलोमीटर पैदल का रास्ता होगा। अगर तुम्हें 500 रुपये किराया देना पड़ जाता क्यों तक यहाँ तक दे देता। तो फाइनली गाइस पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच चुके हैं जानकी चेट्टी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम गाइस, और हमें होटल भी नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक रूम मिला है और बाकी जो रूम वाले थे काफ़ी ज़्यादा रेंट बता रहे थे रूम का, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो हमने ये रूम लिया है। 1500 में रूम मिल गया हम लोग को और देखो मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो आप कितना मस्त है, और पीछे देखो
और हर्ष और वो गए हुए हैं अभी लेने कुछ सामान नीचे, उसके बाद जाएंगे हम घूमने। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर भाई, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। ये देखो आप, बहुत तेज बारिश हो रही है और ये सामने पैदल जाने का रास्ता है, यात्री जा भी रहे हैं अभी शायद, और ये सुबह के गए होंगे, आ रहे हैं ऊपर से। और नीचे जाने का प्लान था होटल के जस्ट बराबर में, नीचे यमुना जी बह रही हैं, बहुत अच्छा व्यू है देखने का। सोच रहे थे फ़ोटो शूट करेंगे लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है अभी। अभी जाएंगे आपको भी दिखाएंगे, बारिश बंद होगी तब जाएंगे। बाहर अभी जस्ट होटल के बाहर ही यहाँ पे यमुना जी निकल के जा रही हैं। सचिन तो डर गया, वो खड़ा है ऊपर, देखो पीछे सुबह मारा है मेरे पीछे। पानी की बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत ही तेज आवाज आ रही है। ये देखो बारिश भी ठीक, मैं दिखा दूँ आपको एक सेकंड। ये देखो बारिश भी बहुत मस्त हुई है, मैं दिखा रहा था आपको बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया बारिश हुई। ये हमारे चश्मुल्ला भाई यहाँ पे खड़े होके पहाड़ों का मजा लेते हुए, देखो यहाँ पे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं गाइस, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ पे ये पुल ब्रिज बना हुआ है, ये सचिन भाई वहाँ पे खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे हैं इधर की, पता नहीं क्या सीन शॉट है। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6 और आज का दिन हमारा यहीं पूरा होता है, और अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, उसके बाद कल सुबह उठ के हमें जाना यात्रा पे। मिलेंगे दूसरे पार्ट में, मिलेंगे अगले पार्ट में आपको, ठीक है। ड्रीम्स कितना छोटा सा वर्ड है ना, लेकिन इसको पूरा करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मैं छोटा था तब से मेरा यहाँ आने का सपना होता था, लेकिन आज यमुना माँ की कृपा से मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। और यमुना माँ आप सबके भी छोटे बड़े सारे ड्रीम्स पूरे करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।